मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह सुबह अभी अभी हेमा का फोन आया कि दीदी हम तो नीचे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आप लोग आ क्यों नहीं रहे? तो पोहे बने हुए हैं, चाय बनी हुई है, हमने तो नाश्ता कर भी लिया, आप आ जाओ। तो फटाफट बस अब हम उठे हैं, पहले ऐसे नाइट सूट में जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर अपना कपड़े पहन के देखते हैं कि कहाँ की तैयारी है। तो बस नीचे चलते हैं पोहे का नाश्ता करने। ये जो गाइस आज मैंने सूट पहना है ये रुलिता डॉट डिज़ाइन की तरफ से मुझे मिला है। काफ़ी सारे कपड़े उन्होंने पहले भी मुझे दिए हैं, तो उन्होंने जो मुझे सूट दिया था तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं नया सूट है, मैं शेटी जाके पहनूंगी। और ये पाकिस्तानी सूट है गाइस, देखो उसकी चुन्नी कितनी प्यारी है। चुन्नी पे भी, वैसे चुन्नी बिल्कुल प्लेन होती है पर चुन्नी भी बहुत सुंदर है। इस पर सारी लेस लगी हुई है और पूरे सूट पर लेस लगी है। देखो गाइस कितना अच्छा वर्क है। जो ये चीज़ है ना नीचे, ये वाली मैं तो कितनी प्यारी है। हाँ सूट बहुत प्यारा है और प्लेन इसकी जो है बॉटम बिल्कुल प्लेन है। और उसके देखो और गंजा के ऊपर है ना ये ऑर्गेंजा। हाँ ऑर्गेंजा का सूट है और आगे देखो पूरा। और ये गला बना बनाया था गाइस, गला भी बिल्कुल बना बनाया था, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी इतना गला भी बनवाने की। और सूट बहुत प्यारा है और चुन्नी का जो स्टफ है वो भी प्योर का है। तो गाइस आप भी इनसे सूट मंगवा सकते हो। अभी दिवाली वगैरह सब दिन त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रहा है, तो वैसे तो इन्होंने गर्म का भी शुरू कर दिया। आप गर्म मंगवाओ, ठंडा मंगवाओ, कुछ भी मंगा सकते हो। और रुलिता डॉट डिज़ाइन, तो मैं इनकी आईडी मेंशन करूँगी, आप जाके इनको फॉलो करो। गाइज आज फिर देख लो दोनों मैचिंग हो गए। देखो मैंने भी पिंक सूट पहने, इन्होंने भी पिंक शर्ट पहनी है। अचानक रोज ऐसा हो रहा है कि मैचिंग हो जाते हैं, सोच के नहीं डालते, हमारा अचानक से ही मैचिंग हो जाती है। बस ये नीचे जा रहे हैं शेव करवाने के लिए, कह रहे शेव करवा के आता हूँ। अब तीन चार दिन हो गए शेव नहीं की है। मंगलवार करके आए थे नीचे, हाँ मंगलवार करके आए थे, बुध भी निकल गया, वीर भी निकल गया, अब शुक्रवार है, आज करवा रहे थे। फिर घर जाके दोबारा जब संडे को सुबह पहुँचेंगे फिर कर लेंगे। तो चलते हैं हम शेव करा। बस सबसे पहले हम नीचे आए हैं माथा टेकने के लिए साईं बाबा जी के, क्योंकि नीचे आते ही सबसे पहले साईं बाबा जी हैं, उसके बाद बाहर की एंट्री, आते ही सबसे पहले साईं बाबा जी का मंदिर है। तो ओम साईं राम, ओम साईं राम, साईं जी ओम साईं राम। बस सबको खुश रखो, सबको ही खुश रखो, किसी को कोई दुख ना हो, बस यही एक अरदास है। तो गाइज आप भी अपना मत्था टेक लो, ओम साईं राम। बस मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पर, एक दो लोग थे जिनकी शेव हो रही थी तो अब इनका नंबर आया है, तो मैंने कहा था इकट्ठे ही चलते हैं ऊपर। तो अब इनकी शेव होनी हो गई है, भैया ने क्रीम तो लगा दी है। बस ये कौन सी क्रीम है? जिलेट। अच्छा जिलेट, अच्छा 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 अच्छा, क्रीम लगा रहे हैं, उसके बाद शेव शुरू हो जाएगी। मैं कह रही हूँ मैं ना जरा कंचन आ गई है बाहर, तो मैं कंचन के पास जा रही हूँ साई भवन। आज लंगर में बने हैं कढ़ी चावल जो सबके टेस्टी है, बच्चे खाते हैं तो अच्छा हो गया कि बच्चे भी खा लेंगे, सबको पसंद है कढ़ी चावल और आपको भी कढ़ी चावल पसंद है। बस मेरे लिए चावल अभी आए हैं, भैया कढ़ी लेने के लिए गए हैं, तो बस कढ़ी चावल आते हैं तो मैं भी खाती हूँ। प्रसाद तो वैसे भी पहले साईं जी को भोग लगता है, उसके बाद हमें मिलता है, तो मज़ा ही आ जाता है खा के। बस ये भी आ गए हैं सारे खाने के लिए नीचे। चावल ला दूँ थोड़े से? नहीं खा ले जरा। नहीं तेरे को ला दूँ? ना ना बस। दीपू आपको ला दूँ? हेमा तेरे को? खा ली। चलो खाओ, फिर पीते हैं चाय। हाँ। और चाय पी के कंचन फिर दर्शन करने के लिए चलते। हाँ, हैं ठीक है ठीके? जैसे कल गए थे ना 3 बजे, हाँ, वैसे आज निकल चलेंगे दर्शन के लिए। फिर आराम से संगत में इतना वो फिर हो जाएगा ना, थोड़ा खाली होगा। कल देखा 1:30 बज गए हैं दीपू, तीन बजे निकल जाएंगे। आपको ला दूं? यही बस खत्म। नहीं और ला दूं थोड़ी? ये वाली चाहिए। दीदी प्लेट रख दो इतने, मैं रख दूं। कोई पानी पी लो, पी रहे थे। ललिता क्या कर रहे, सेवा कर रही है यहाँ पे आके? हाँ मैं तो वैसे तो बेचारी कर जाती है। हाँ जो बर्तन साफ करते हैं, मैं तो चल कोई आ गई अपने कम से कम जो हमने लोगों ने खाए हैं, मैं तो वही 2-4 साफ कर दूँ। अच्छा अपने ये कर दे, हाँ दूसरे भी कर दे कोई बात नहीं। हाँ वो होंगे तो करूंगी ना। हाँ। अपने ही है सारे, अपने ही है, बस अपने ही है, बाकी सब खा के जा चुके, भाई खा चुके जा चुके। हाँ। और भी होंगे और कर दूंगी, यही सिर्फ अपने ही पड़े। चल ठीक है कर दे। हाँ। बस कड़ी चावल खाने के बाद दिल कर रहा था सबका चाय पीने का, तो सबको चाय आ गई है, सारे चाय पी रहे हैं। बच्चे चाय पीते नहीं है, ये 2 बच्चे 3 और 1 ये पूजा भी चाय नहीं पीती, तो
बस हम चाय पी रहे हैं, उसके बाद चलते हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। ठीक है, पहले दर्शन कराते हैं, फोन आप ऊपर रखा हो जाते हैं। मैं ऊपर रखा था। हाँ, क्योंकि फोन अलाउड नहीं है गाइस। ये तो आपको मैं साईं बाबा जी के अंदर से भी दर्शन कराती, पर फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ तक लास्ट था फोन। हाँ मासी, हम बस अभी कोल्ड ड्रिंक लेने गए, इधर देखा कि आप घुड़सवारी घोड़े पे पहली बार। नई नई शादी हुई थी जब हम शिमला गए थे। तब चढ़ी थी याद पे। हाँ यार, याद पे चढ़ी थी। अब मैं घोड़े पे चढ़ी हूँ। अभी घोड़े पे डर नहीं लग रहा आपको? ये तो कोई आगे करके बस यही आ जाओ चलो शिरडी में आके आपने आज घोड़ा पे बैठ के ट्राई कर लिया। हाँ। होता नहीं ना उम्र के हिसाब से, ये कहते हैं कि चैलेंज है। अच्छा चैलेंज दिया गया तो घोड़े पे बैठ के दिखा। अंकल ने घोड़े पे बैठ के दिखा दिया। नहीं सही चढ़े आप। हाँ हार गए। चैलेंज जीतने में क्या मिल रहा है भाई? गोल गप्पे पापड़ी भल्ले बताओ। वो तो वैसे ही मिल रहे थे कुछ अंकल से। अंकल से चीज अच्छी सी चीज लो यहाँ पे। नहीं करवा चौथ पे कुछ अच्छा सा स्पेशल। अब अंकल गए गोल्ड का। हाँ गोल्ड की तो अंकल की खुद की शॉप है। अंकल से कुछ ऐसा लो। हाँ अंकल से कुछ ऐसा लो। जीत गई। हाँ महंगी चीज दो। अब बस हमेशा जब भी हम शिरडी आते हैं शिरडी से यही अचार लेते हैं प्रवीण का। तो इस बार भैया कह रहे हैं कि प्रवीण का सिर्फ आम का है तो मेरे को मिक्स अचार लेना है। तो मिक्स है तो मैं ऐसे तीन चार पाउच ले लेती हूँ। भैया ऐसे पाउच ही दे दो। हाँ ये पाउच है, ये पाउच है और साथ में कंचन। कंचन तूने क्या लिया है? ये कौन सा? नींबू का। अच्छा नींबू और ये आम पापड़। आम पापड़। अच्छा चलो मैं तो मिक्स अचार ले लेता हूँ। हम तो फिर एक काम करते हैं, मिक्स अचार ही लेते हैं। मिक्स ही दे दो। ये मखाने को भी इन्होंने कलर कर दिया। देखो हेमा देख, येलो और ऑरेंज कर दिया। वैसे व्हाइट होती है ना ये देख। ये प्रसाद हमारा व्हाइट सारा। मखाने नहीं पुलिया मीठी खलिया। मखाने कहते हैं इसको। मखाने कलर कर रखा है देख। ये पिछली बार भी होलसेल की मार्केट है, यहाँ पर आए थे। हमने बहुत सारा सामान लिया था, काफी सारा मतलब गिफ्ट वगैरह काफी कुछ लिया था मैंने। अब भी मैंने साईं जी की ड्रेस से मुकुट सब कुछ लिया। गाइस मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर दिखा नहीं पाई तो कमरे में जाके दिखा देंगे। रूम में दिखा देंगे। गाइस ये है द्वारका माई जहाँ पर साईं बाबा जी बैठा करते थे। तो अब देखो कितनी ज़्यादा संगत है, कितनी ज़्यादा संगत है, बहुत ज़्यादा संगत है अंदर। बस वहाँ पर धुनी भी अंदर ही जलती है। तो ये देखो गाइस अंदर बिल्कुल रास्ता है और कोने पर जाके धुनी जलती है, जो हमेशा जलती रहती है धुनी। जब साईं बाबा थी तब से जलती आ रही है आज तक भी, और यही परंपरा इनकी टूटी नहीं है। और हमेशा से जो उदी होती है वही एक प्रसाद होता है, जो धुनी होती है उसी को उदी का प्रसाद बना देते हैं। उपले वगैरह जला के ये सब बनती है। गाइस जो लोग दर्शन जैसे नहीं कर पाते जाते आते, तो यह मुख दर्शन, यहाँ से साईं जी के सिर्फ मुख दर्शन होते हैं। अभी बंद कर रखा है क्योंकि आरती हो रही है। आरती जैसे ही बंद होगी, मतलब आरती जैसे ही खत्म हो जाएगी तो ये दरबार खोल देंगे। यहाँ पर लोग सीधा यहाँ से दरबार नजर आता है अंदर जाके, इसे कहते हैं मुख दर्शन। ये साईं बाबा जी की शिरडी की कंटीन है, चाय कंटीन। देखो गाइस यहाँ पर चाय जो है वो 2 रुपए की है, कॉफी 3 रुपए की, दूध 2 रुपए का, मिनरल वाटर 10 रुपए की। बहुत यहाँ पर मतलब देखो कंटीन का बहुत सस्ता सामान है। तो इस बार हम आज चाय यहाँ से पी रहे हैं। बस रात के 9 बज चुके हैं तो हम डिनर खाने के लिए आए हैं। चपाती है, चावल है, आलू मटर की सब्जी है और अरहर की दाल है और साथ में हलवा है। भैया मुझे जरा सा देना हलवा, बस जरा सा। हाँ बस बस हलवा है तो प्रसाद है। साईं बाबा जी को भोग लग चुका है और हम भी खा लेते हैं, कल हमारी सुबह की ट्रेन है। तो बस ये लास्ट है जो हम यहाँ पर भैया प्रसाद खा रहे हैं। सुबह तो हम 7 बजे चले जाएँगे। बस रात का लंगर खाने के बाद हमने पिए एक एक कप चाय ताकि खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाए। और बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब बज चुके हैं 10:30। तो हम जल्दी सोएंगे क्योंकि सुबह सुबह हमने 5 बजे उठना है। फटाफट मैं उठूंगी, मैं, दीपू और कंचन,
पता नहीं हेमा का नहीं मुझे पता कि हम सब सुबह सुबह तैयार होके पहले साईं बाबा के दर्शन करेंगे। कल हमारी 9 बजे की ट्रेन है तो सारे नहीं जा पाएंगे, बच्चे हैं सबके साथ गए तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हम हमेशा यही करते हैं कि सुबह सुबह पहले दर्शन करके आते हैं, तो 5 बजे उठेंगे, 5:30 निकलेंगे, 6:15 तक हम वापसी आएंगे ताकि 7 बजे हम यहाँ से निकल सकें। तो कल सुबह सुबह साईं बाबा जी के दर्शन करके फिर हम चले जाएंगे दिल्ली। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।